दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार की सेल शुरू हो चुकी है। इसका साइज देखकर और इसकी कीमत जानकर आप इसे नैनो की छोटी बहन भी कह सकते हैं। इस कार का नाम है इलेक्ट्रिक कार K5। इसकी मार्केटिंग चीन की ई कॉमर्स वेबसाइट अलीबाबा पर की जा रही है। ये एक छोटी इलेक्ट्रिक कार है जिसे क्वाड्रीसाइकल भी कहा जा सकता है। एक बार चार्ज करने पर यह कार 65 किलोमीटर तक चल सकती है और इसकी टॉप स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस कार को बनाया है चीन की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी रीगल रैप्टर मोटर्स ने। कंपनी ने अपने ब्रांड इलेक्ट्रिक कार के तहत दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार K5 को बेचना शुरू किया है। ये अब तक की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार है जिसकी कीमत चीन में $2,100 यानी लगभग 1,53,000 रुपये है। खास बात यह है कि अगर कोई इस कार की सेलिंग करके मुनाफा करना चाहता है तो उसे ये कम कीमत में मिल सकती है। होलसेल प्राइस में कार खरीदने पर इसकी कीमत केवल $1,800 यानी लगभग 1,31,000 रुपये पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 9 कार्स खरीदनी पड़ेंगी। अगर K5 की कीमत पर ध्यान दिया जाए तो ये टाटा की नैनो के आसपास है, जबकि इसके साइज को देखा जाए तो ये नैनो से छोटी दिखाई देती है, इसलिए आप इसे नैनो की छोटी बहन कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार K5 का वजन 255 किलोग्राम और इसकी लंबाई 2.2 मीटर है। 1.09 मीटर इसकी चौड़ाई है और 1.62 मीटर ऊंचाई है। इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। इस कार की बैटरी 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। इस कार के अन्य देशों में लॉन्च को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। इलेक्ट्रिक कार को लेकर सभी देशों में अलग अलग नियम हैं। चीन में इस कार को बिना लाइसेंस के चलाया जा सकता है।